नमस्कार, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में, यानी कि हमारे सर का ताज, हमारे बाल। सबको अपने बाल प्रिय होते हैं और अगर बाल झड़ने लगे तो हमें थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि पूरे चेहरे का हमारा जो प्रतिबिंब है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन बालों को झड़ना एक आम समस्या भी है, साथ साथ में कभी कभी जटिल भी हो जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कब आपको एक डॉक्टर से मिलना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, सीज़न के हिसाब से तो बाल जाते ही हैं, स्पेशली रेनी सीज़न में, विंटर्स में बाल ज़्यादा झड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। लेकिन अगर एक दिन में 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं और आपको कहीं जगह से पैची हेयर लॉस हो रहा है या पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है बालों में, स्पेशली पुरुषों में जनरली ऐसे होता है और महिलाओं में भी धीरे धीरे यहाँ से आगे से क्लियरेंस होने लगती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अबनॉर्मल हेयर लॉस है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, सब जगह से एक तरीके से बाल नहीं जा रहे हैं, आप उठ रहे हैं तो तकिए पे बाल मिल रहे हैं, फर्श पे जगह जगह बाल गिरे हुए मिल रहे हैं, हमेशा बाल में रूसी रहती है, बहुत रूखे रहते हैं, बेजान रहते हैं, दो मुहे हो जाते हैं, तब कृपया करके एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके लिए हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। ट्राइकोलॉजी और डर्मेटोलॉजी एक मिक्स्ड ब्रांच है, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और ट्राइकोलॉजी इज़ जस्ट अ एडिशन टू डर्मेटोलॉजी। तो अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका डेफिनेटली ट्रीटमेंट करेंगे और आपको एक अच्छा सोल्यूशन देंगे। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन ना रखें कि नहीं, मुझे बालों के लिए सिर्फ ट्राइकोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, इट इज़ जस्ट एन एडिशन टू डर्मेटोलॉजी। रेस्ट, अगर मान लीजिए आपका पैटर्न हेयर लॉस है, अगर फैमिली में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली होगा। अगर आपके परिवार में आपके पिताजी को है, आपके माताजी के साइड पे है, तो आपके होने के चांसेस कम से कम 50% बढ़ जाते हैं। उसमें क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। धीरे 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 करके आपकी हेयरलाइन रिसीड करने लगती है। फीमेल्स में भी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, वो भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। कई बार दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी बाल झड़ते हैं, जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, या फिर सोरियासिस के केसेस में भी बाल जाते हैं। इनकेस अगर लाइकन प्लानिस है, अगर बहुत सारे डिफरेंट हार्मोनल कंडीशंस एज वेल एज अदर बैक्टीरियल कंडीशंस एंड फंगल इन्फेक्शंस और दूसरे डर्मेटाइटिस की वजह से भी बाल झड़ना संभव है, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें, जो आपको ये बताए कि आपको एक्चुअली क्या हो रहा है और आपको कैसे अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। खुद से ट्रीटमेंट कभी ना करें, खुद से कभी भी दवाइयाँ लगाना या खुद से शैम्पू चेंज करते रहना, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेना, डिफरेंट हेयर कलर्स ट्राई करना, कृपया अपने बालों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हाँ, ये बेजान होते हैं, लेकिन हाँ, हमारे सर का ताज है तो उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका कहीं पैची हेयर लॉस है, यानी कि एक सिंपल प्लेस पे बाल नहीं है, उसके भी डिफरेंट कारण हो सकते हैं, तो इसीलिए भी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाता है। आजकल कोविड के टाइम्स में आफ्टर कोविड हेयर लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत सारी महिलाएँ और पुरुष कोविड के पीड़ित होने के बाद हमारे पास आ रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ हेयर लॉस है। तो उसके लिए भी अगर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, स्कैल्प दिखने लगा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। हेयर लॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बायोटिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं, मिनोक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपको एक डॉक्टर से बेहतर और कोई नहीं बताएगा। प्लस आप कई महिलाओं में आयरन की कमी की वजह से भी बहुत हेयर लॉस होता है अनीमिया के टाइम पे, तो वो भी आप PCOS के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, तो उसके लिए आपको अलग से दवाइयाँ चाहिए PCOS ट्रीट करने के लिए, उसके लिए भी आपको एक डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। प्लस आजकल PRP थेरेपी है, PRP थेरेपी से भी हम लोग बहुत सारे लोगों के नए बाल रिजुविनेट कर सकते हैं और नए बाल आ सकते हैं। एंड लास्ट, एक्चुअली यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल। सो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द बेटर ट्रीटमेंट एंड फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट यू कैन एवर हैव फॉर योर हेयर।